दोस्तों, जब हम मेस्ट्रो स्कूटी का चाबी स्विच चेंज करते हैं तो हमें उसकी नई चाबी को सेंसर से कनेक्ट कराना पड़ता है हीरो की एजेंसी पर जाकर। जो पुराने लोग की चाबी होती है वो तो सेंसर से कनेक्ट रहती है, लेकिन जब हम चाबी स्विच चेंज करते हैं तो हमें उसकी नई चाबी को हीरो की एजेंसी जाकर सेंसर से कनेक्ट कराना पड़ता है। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपनी शॉप पर ही आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा जुगाड़ बताऊंगा जिससे हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इंडियन जो हैं जुगाड़ अच्छे कर लेते हैं। तो मैं वीडियो शट करता हूं, और दोस्तों वीडियो जो है वो बहुत लेट आया है, उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। और दोस्तों, इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 70 लाइक, पिछली वीडियो का लाइक हम तो आपने पूरा कर दिया था। तो चलो, ज़्यादा बात ना करते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये रही वो मेस्ट्रो स्कूटी जिसमें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यह इसका पुराना चाबी स्विच, और ये रही इसकी पुरानी चाबी, और यह है सेंसर। इस सेंसर से ये पुराने वाली चाबी जो है वो कनेक्ट है। अब हमें करना क्या है, देखिए ये चाबी तो इस सेंसर से कनेक्ट है, ये पुरानी चाबी है इसकी। और देखिए, मैं आपको एक बार चाबी स्विच जो है वो डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, यानी जो मेन लॉक की रेड तार और काली तार है उसको डायरेक्ट करते हैं। चाबी देना, इसकी चाबी कहाँ है, देखिए यहाँ पर कनेक्टर लगता है जब कनेक्ट करते हैं इसको, इस मतलब सेंसर को जब चाबी से कनेक्ट करते हैं तो कनेक्टर उस सॉकेट में लगता है। चाबी कहाँ है, यहाँ रख देता हूँ मैं चाबी। देखिए, मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, जो चाबी स्विच की लाल और काली तार है, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। देख सकते हो ऊपर करंट भी आ गया है, और देखिए चाबी का निशान आ रहा है डिस्प्ले में, सब कुछ काम कर रहा है लेकिन गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही है। देखिए चाबी का निशान आ रहा है डिस्प्ले में, ना ही गाड़ी अब सेल्फ से स्टार्ट होगी और ना ही किक से स्टार्ट होगी, क्योंकि जो सेंसर है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने अभी चाबी नहीं लगाई है, इसीलिए डिस्प्ले में सेंसर का निशान ब्लिंक ओ सॉरी चाबी का निशान ब्लिंक कर रहा था। अब देखिए, मैं इसको दोबारा डायरेक्ट करता हूँ, देखिए ये दोबारा डायरेक्ट हो चुकी है, और इस बार जो है वो चाबी का निशान नहीं आ रहा है। देखिए, मैंने चाबी को यहाँ सेंसर पर लगाया हुआ है, जबकि इसका लॉक जो है वो ऑफ है। देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, चाबी को मैंने पकड़ा हुआ है सेंसर के बीच में इस तरीके से। ये इस पुराने वाले लॉक की चाबी है जो हमने सेंसर के बीच डाली हुई है, देख सकते हो। तो अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे सेंसर में और लॉक में एक स्क्रू लगा होता है, यहाँ पे उस स्क्रू को लगाकर चाहे तो हम पूरा का पूरा लॉक एक साइड में रख सकते हैं, पुरानी चाबी उसमें लगा के ऐसे, ठीक है। अपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, चाबी और ये एक साथ करके रख दें, और अगर आप चाहे तो ये सेंसर और चाबी रख दें, बस लॉक को आप एक तरफ डाल दें, लॉक की कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, चाबी जैसे अब है इस तरह रहनी चाहिए लॉक के अंदर, मतलब सॉरी सेंसर के अंदर, मतलब ये जो लोहे वाला इसका पार्ट है वो अंदर रहना चाहिए इस तरीके से, और ऐसे ही करके किसी भी चीज़ में कोई डिब्बे में कर दें या किसी पॉलिथीन वगैरह में करके रख दें एक साइड में, चाबी रहनी चाहिए ऐसे।
इस तरीके से और रख दें। अगर हम चाबी ऐसे रखेंगे तो काम नहीं करेगा, चाबी रहनी चाहिए ऐसे। और अगर इसकी चाबी खो गई है पुराने वाली तो हमें नया लॉक डालना पड़ेगा और उसकी नए लॉक की चाबी को सेंसर से हीरो की एजेंसी जाकर कनेक्ट कराना पड़ेगा। और अगर फिर भी हम जुगाड़ करना चाहते हैं चाबी खोने पर तो हमें CDI और पिकअप कॉइल दोनों चेंज करने पड़ेंगे।